हेलो, वेलकम शुभम भगत यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ शुभम। आज जो आप लोगों को EGC के गाइडलाइन एग्जामिन के रिलेटेड कुछ आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको जो चीज़ मिलेगा उसको बता देते हैं। समझ लीजिए, जो फाइनल स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो सेकेंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए, इंजीनियरिंग के लिए बताएँ, और MBBS कुछ भी जो कुछ भी है सबके लिए, और जिसका बैकलॉग है उसके लिए भी, और कैसे एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कैसे मार्क्स दिया जाएगा उसको लिए बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं कितना 8 नंबर पेज में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कॉन्डक्ट एग्जामिनेशन बताया गया है। देखिए टर्मिनल सेमेस्टर ईयर, जो अंतिम सेमेस्टर का जो बच्चे हैं किसी भी फील्ड में, ठीक, तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है 1/7/2020 से लेकर 15/7/2020 तक, जुलाई का। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फोर्थ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो है उनका एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख से, जुलाई महीने से, और 31 तारीख के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन रिजल्ट, टर्मिनल जो रिजल्ट दिया जाएगा आपका, जो पहला होगा, जो अंतिम सेमेस्टर का जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम डिलीवर किया जाएगा 31/7/2020 तक में, और जो सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेमेस्टर है उनका रिजल्ट जो है डिलीवर किया जाएगा 14/8/2020 तक, ठीक। और यहाँ पर कुछ आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ बताया गया है 9 नंबर पेज में, कब स्टूडेंट का एडमिशन होगा, इसका PDF भी देंगे, आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ एडमिशन होगा 1/8/2020 से, जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, जो फ्रेश नहीं, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में जो होंगे, और फ्रेश के लिए 1/9/2020 से होगा। और ऐसा ही कुछ कैलेंडर है, तो यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ भी है आपको बताते हैं यहाँ पर, अगर चाहिए तो फिर से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर से हम फिर से आते हैं अपना 5 नंबर पेज में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा आपका MCQ या OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन, मतलब कुछ गलत मतलब नहीं समझ लीजिएगा, और असाइनमेंट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है आप लोग का, ठीक है। तो एग्ज़ाम का 2 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा 3 hours से 2 hours में ले जाया सकता है, और इन 3 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को गाइडलाइन दिया गया है, उनके हिसाब से वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होगा वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। और जो 4 नंबर पॉइंट है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है। और 5 नंबर जो पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताया गया है अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बाय चांस समझ लीजिए एग्ज़ाम नहीं होता है, तो एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे दिया जाएगा, समझ लीजिए आप सेकेंड ईयर में हैं, आपका फर्स्ट ईयर में इंटरनल एग्ज़ाम, और फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो अगर इंटरनल एग्ज़ाम हो गया है आप लोग का, उसका एग्ज़ाम, और जो इन मेन आप लोग का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम था उसको दोनों के जोड़ के 50% से अबव जो भी होगा उससे करके आपको एग्ज़ाम दिया गया। अगर आप इसमें खुश नहीं हैं तो आपको क्या, आप कर सकते हैं जो नेक्स्ट ईयर या उसी साल में अगर कोई एग्ज़ाम होता है उस सेमेस्टर का, तो आप फिर से दे सकते हैं। यही था और यहाँ बताया गया, समझ लीजिए यहाँ बैकलॉग्स, यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट, जो अगर समझ लीजिए किसी का बैकलॉग्स है तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस साल या उसके बाद साल। तो यही था, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत सारा जानकारी मिल गया। अगर कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर उसको बताएंगे आप लोग को। तो ओवरऑल यही था जिस्ट पॉइंट। तो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और कुछ भी सुझाव हो तो बताइएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड सी यू सो।